وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى زلزلوا ويقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اسلام میں داخل ہونا یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اسلام پر قائم رہنا مشکل ہے۔ انسان دین اسلام کو قبول تو کر لیتا ہے لیکن مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ انسان جذباتی طور پر بڑے دعوے تو کر لیتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسے زندگی بسر کروں گا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، ساری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتا رہوں گا۔ انسان یہ دعوے کر لیتا ہے، جذبات ابھرتے ہیں، انسان واعظ و نصیحت سنتا ہے، خطبے سنتا ہے، دروس سنتا ہے، ذہن سازی جب ہوتی ہے تو انسان کے جذبات ابھرتے ہیں، جذباتی انداز میں انسان بڑی بڑی نیکیاں شروع کر لیتا ہے لیکن ان نیکیوں پر قائم رہنا مستقل مزاجی کے ساتھ، ان پر ڈٹے رہنا اور استقامت اختیار کرنا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، جس وجہ سے انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ جذباتی طور پر پانچوں نمازیں بھی شروع کر لیتا ہے، حتیٰ کہ تہجد اور اشراق کا اہتمام بھی کر لیتا ہے، واعظ سنتا ہے، حرام کو چھوڑنے، فلمیں اور گانوں کو اور ڈراموں کو چھوڑنے کا عزم کر لیتا ہے لیکن اس عزم پر برقرار نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس پر برقرار رہنا بڑی ہمت والا کام ہے۔ تو اس لیے اسلام کو قبول کرنا یا نیک اعمال کرنے کا عزم کر لینا، ایک دعویٰ اور وعدہ کر لینا، یہ کافی مشکلات آ جائیں انسان پر، جس قسم کی بھی مشکلات آ جائیں، برادری اور ماحول
और हालात उस पर जैसे भी तंग हो जाएं, लेकिन वो इस्लाम पर डट जाए, ये कामयाबी का राज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए अबू सुफियान, कहते अल्लाह के रसूल, मुझे कोई जामे और माने कोई जुमला बता दीजिए कि ला असालु अनहु आहदन बादक, कि मुझे आपके बाद किसी और से ना पूछना पड़े, बस आप मुझे सारा इस्लाम और इस्लाम की बुनियाद वो आप मुझे बतला दीजिए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दो लफ्ज़ों में उसको पूरा प्रोग्राम दे दिया था, लंबा चौड़ा वाज आपने नहीं किया था, कुछ घंटे आपने नहीं लगाए थे, दो जुमले आपने बोले थे। आपने फरमाया था कुल आमंतु बिल्लाह, एक तो तू ये कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ, मैंने अपने रब को मान लिया है, मैंने अपने खालिक और मालिक को मान लिया है जो मेरा पैदा करने वाला है, मैं उस पर ईमान ले आया हूँ। कुल आमंतु बिल्लाह, ये इकरार करके मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ, ये पहला जुमला था। और उसके बाद आपने फरमाया सुम मस्तकिम, फिर इस पर डट जा, फिर इस पर इस्तकामत इख्तियार कर, इस्तकामत का पहाड़ बन जाना, इस ईमान और इस इस्लाम और इस दीन और इस तौहीद से तुझे कोई फिसलाने की कोशिश करे, इस तौहीद से तुझे कोई उठाने की कोशिश करे तो डट जाना है, इस तौहीद पर आंच ना आने देना, अपने अकीदे अपने मनज और अपने ईमान पर किसी किस्म का समझौता ना करना, ना कोई लालच तुम्हें पीछे हटाए, ना किसी का खौफ और दबदबा तुझे इस मनज और इस तौहीद और इस अकीदे और इस इस्लाम से एक इंच भी पीछे करे, ये कामयाबी का राज है। तो क्या पता चला, सिर्फ इस्लाम और ईमान और कलमे को पढ़ लेना, दीन में दाखिल हो जाना, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि काफ़ी क्या है कि मरते दम तक इस पर इस्तकामत इख्तियार करना। बात इस्तकामत की है, इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ ईमान लाने की बात नहीं की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ दीन इस्लाम को मानने की बात नहीं की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ नेकियों को शुरू करने की बात नहीं की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर इस्तकामत की बात की है कि तौहीद को माना है, मरते दम तक उस पर इस्तकामत इख्तियार करो, इस्लाम के बाकी अरकान को माना है, उसको शुरू किया है, नमाज का आगाज किया है तो मरते दम तक नमाज को जारी रखो, मरते दम तक, मरते दम तक। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक्का तुकातिह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डर जाओ जिस तरह के डरने का हक है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ये तकवा और ये परहेजगारी, ये इस्लाम, ये दीन, ये कलिमा, ये परहेजगारी, ये नमाज, ये रोज़ा, ये हज, ये जिक्र अस्कार, ये इबादत, ये तलावत, ये नफल नवाफल, ये इशराक और ये तहज्जुद, ये सारी की सारी इबादत कब तक रहें, जब तक के तुम्हें मौत नहीं आ जाती, मरते दम तक उस पर कायम हो जाओ, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकाम, जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर वो उस पर डट गए, उन्होंने उस पर इस्तकामत इख्तियार की, मरते दम तक ना आगे हुए उससे ना पीछे हुए, ना दाएं हुए ना उससे बाएं हटे, बिल्कुल मुस्तकीम और सीधे रास्ते पर बगैर किसी इफराद के और बगैर किसी तफरीद के बिल्कुल सीधे चलते जाना, इसका नाम इस्तकामत है।
अल्लाह इस्तकामत का हुक्म देते हैं, सिर्फ ईमान लाने का हुक्म नहीं देते बल्कि उस पर डटे रहने का हुक्म देते हैं। तुम्हें कुछ फेरना चाहे तो तुम्हारे कदमों में किसी किस्म की लग्जश नहीं आनी चाहिए। तौहीद को अपनाया है, मरते दम तक उस पर कायम हो जाओ। इसीलिए आपने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक ना करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, तुझे जला के राख बना दिया जाए और तेरी हड्डियों को चूरा चूरा कर दिया जाए, तेरे गोश्त का कीमा कर दिया जाए, तूने अल्लाह के साथ किसी गैर को शरीक नहीं ठहराना। मरते दम तक उस पर कायम हो जाओ। किसी से तवीज नहीं लेना, किसी से जाके वो नजरों न्याज नहीं माननी, बेटा ना हो, सारी जिंदगी ना हो। ये इस्तकामत है, इस इस्तकामत का अल्लाह हुक्म देते हैं कि दीन से तुम्हें कोई फेरने की कोशिश करे तो तुमने डटे रहना है। ना लालच जो मैं दीन से फेर सके, ना खौफ तुम्हें दीन से हटा सके। दीन पर डटे रहना, दीन पर इस्तकामत इख्तियार करना। जिस तरह के सहाबा इकराम डट गए थे, जिस तरह उन्होंने तकलीफें और अज़ियतें बर्दाश्त की थी, लेकिन वो उन इस्तकामत के पहाड़ बने रहे थे। मर्द तो मर्द रहे, औरतों को आप देखें कि वो कितनी इस्तकामत वाली थी, इस्तकामत का पहाड़ बनी हुई थी, उनको उनके अकीदे से कोई नहीं फेर सका था। जवान तो जवान, बूढ़ी औरतों को आप पर उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखें। सैयदा सुमैया, सैयदा सुमैया सैयदना अम्मार बिन यासर की वालदा है, उसकी जिंदगी आप पढ़ के देखें। सीयर की किताबों में लिखा है, हफ्ज़ इब्ने हजर ने अल इस्तिआब में लिखा है, अल इसाबा में लेकर आए हैं कि कानत अजूजतन कबीरतन ज़ईफतन, बड़ी कमजोर खातून थी, जवान भी नहीं थी, बड़ी बूढ़ी खातून थी और हड्डियों का ढांचा थी, बड़ी मुश्किल से आसे के सहारे पर चलने वाली खातून थी। उसने तौहीद को मान लिया, उसने अकीदे को मान लिया, उसके कानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की आवाज जब टकराई तो उसने आपकी दावत को कबूल कर लिया। अबू जाल को पता चला, इन गुमाश्तों को इलम हुआ कि सैयदा सुमैया एक ज़ईफा और एक कबीरा, इंतहाई बूढ़ी और कमजोर खातून, वो भी हमारे दीन से बगावत कर चुकी है, उसने भी बगावत का ऐलान कर दिया है, हमारे दीन को छोड़कर, हमारे मनज को छोड़कर, हमारे निज़ाम और हमारे कानून और कायदे और कुलिये को छोड़ के उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को कबूल कर दिया। वो कहती फिरती है लात व मनात और उज़्ज़ा कुछ नहीं कर सकते। अबू जाल ने उसको पकड़ा, जकड़ दिया जंजीरों के साथ, धूप में फेंक देता था उस बुढ़िया खातून को, लेकिन उसके पाया सबात में कभी कमी नहीं आई थी। उसके खामद को भी, जनाबे यासर को भी बांधा हुआ था उसने, और उनके बेटे अम्मार को भी वो धूप में बांध रखा था। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज वहां से गुजरते थे, अपने इन जानसारों को तसल्ली देने के लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते। आप पूछते, ऐ आले यासर तुम्हारा क्या हाल है, ऐ आले यासर तुम्हारा क्या मामला है। वो कहते, अल्लाह के रसूल रात भी तकलीफों में काटते हैं, दिन भी तकलीफों में गुजरता है, और हमें यह कहा जाता है कि तौहीद को छोड़ दो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को छोड़ दो, आपके कलमे को छोड़ दो। ना हमें दिन के किसी लम्हे में सुकून और राहत लेने दिया जाता है और ना रात को। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह हमारी रात गुजरती है, ऐसे ही हमारा दिन गुजरता है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते, आप फरमाते, इस्बिरा आले यासर, ऐ यासर के घराने वालों, आज सब्र कर लो इन दुनिया की तकलीफों पर, इन अज़ियतों पर, इन मुसीबतों पर, आज सब्र कर लो। इस्बिरा आला यासर, इन्ना मौईदाकुमुल जन्ना, इस पर सब्र करोगे इन अज़ियतों और इन तकलीफों पर और इन मुसीबतों पर, इन सजाओं पर,
इन मुशक्कतों पर अगर आज तुम सब्र कर लोगे तो मैं सादिकुल मस्तूक पैगंबर यह गारंटी देता हूं, इन्ना मौईदा कुमुल जन्ना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसके बदले में जन्नत तैयार कर रखी है, जन्नत की हूरें और जन्नत के गिलमान, जन्नत के महल्लात और जन्नत के बंगले और बागात तुम्हारे लिए हैं। आज ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी है, ये तो खत्म हो जानी है। आज तुम सब्र कर जाओ इन मुशक्कतों पर, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत देगा। वो इस्तकामत के पहाड़ बन गए थे, उनके सामने जन्नत थी, उन्हें ये नजर आ रहा था हमारी दुनिया जा रही है, हमारे हाथों से दुनिया छूट रही है। उन्होंने कोई परवाह नहीं की थी। हम तो आज अपनी बिरादरी की मजबूरियां लेकर बैठ जाते हैं, आज हम अपने दोस्तों की मजबूरियां लेकर बैठ जाते हैं, आज हम अपने हालात और अपने माहौल और मुआशरे के हालात से मजबूर हो जाते हैं और इस्लाम के अहकामात को पसे पुशत डालकर अल्लाह की नाफरमानी कर देते हैं, सिर्फ बंदों के चेहरों की खातर, बंदों को खुश करने के लिए, माहौल और मुआशरे के लिए, दुनिया की रस्म और रिवाज को जिंदा रखने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसकी खातर हम अपने दीन और अपने ईमान की सौदाबाजी कर देते हैं। हमारी तो ये हालत है। लेकिन देखें, इस्तकामत इख्तियार करने वाले जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक के जिन्होंने दीन को सीखा था, जिन्होंने इस्लाम को समझा था, वो इस नुक्ते को समझ गए थे कि कट जाना गवारा है लेकिन दीन इस्लाम पर आँच नहीं आने देंगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहम करते, कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने इसी तरह वो सताए गए, इसी तरह उनको तकलीफें दी गई, इसी तरह इब्तला में मुब्तला किए गए। हत्ता के एक दिन अबू जहल ने सैयदा सुमैया, जो बुढ़िया है, आसे के सहारे पर चलने वाली है, कमज़ोर है, नातवा है, उसकी दोनों टांगों को दो ऊँटों के साथ बांध दिया। एक ऊँट मशरक की तरफ और एक ऊँट मगरब की तरफ, और इस तरीके से उन ऊँटों को दौड़ाया गया और पहले सुमैया को समझाया गया कि अब भी बाज आ जा, और फिर उसने इंतहाई जो है ना नाजिक जगह पर नेजा मारते हुए उन ऊँटों को दौड़ाने का, चलाने का हुक्म दिया, जिससे सैयदा सुमैया के दो टुकड़े हो गए, काट गई। खामन देख रहा है इस मंजर को, बेटा अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन एक लम्हे के लिए भी उनके कदमों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई थी। ये मतलब है इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हमने अपना खालिक मालिक मुश्किल कुशा एक अल्लाह को माना है, सुमस्तकामू, फिर उस पर डट गए, उस पर उन्होंने साबित कदमी इख्तियार कर ली। फिर उन पर आसमान से अल्लाह फरिश्ते नाजल करते हैं, फिर फरिश्ते उन्हें तसल्लियां देते हैं, दुनिया में भी मौत के वक़्त भी फरिश्ते उनको तसल्लियां देते हैं। इस इस्तकामत का हुक्म है। मेरे भाइयों, आप अगर ये समझें कि बस इस्लाम को कबूल कर ली है और किसी किस्म की आजमाइश हम पर नहीं आएगी, या आजमाइश पर हम बरकरार न रह सकें, तो ये नामुमकिन है। ऐसे सिर्फ कालू रब्बुनल्लाह कहने पे बात नहीं बनेगी, सुमस्तकामू, इस पर डटना पड़ेगा, इस पर कायम रहना पड़ेगा, इस पर कुर्बानियां हमें देनी पड़ेंगी। अगर अल्लाह के अहकामात के मुकाबले में कौम या बिरादरी आती है, उसको कुर्बान करना पड़ेगा। अगर कारोबार आता है, खेतों खलियान आते हैं, दुकानदारी आती है, अगर खेतों कल्याण और मामलात आते हैं अल्लाह के दीन के मुकाबले में, जन्नत अगर हमें चाहिए, तो फिर इन सारी की सारी चीज़ों को कुर्बान करना पड़ेगा, इनको छोड़ना पड़ेगा और दीन इस्लाम को मजबूती से थामना पड़ेगा, फिर हम कामयाब हो सकते हैं। ऐसे हमें जन्नत नहीं मिल सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाते हैं, अहसीबन नास, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि यह कोई आसान बात है, हसीबा नास अयुतरकू अयकुलू आमन्ना, लोगों ने समझा कि हमने जब के ये कह दिया है
कि रब्बुन अल्लाह अल्लाह हमारा रब है तो बस वो कामयाब हो गए हैं। अहसिबन्नास अयुतरकू अयकुलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या आजमाए नहीं जाएंगे, क्या ईमान लाने के बाद इस्लाम में दाखिल होने के बाद क्या कुर्बानियां नहीं देनी पड़ेंगी, क्या मुशक्क़तें नहीं आएंगी, क्या तकलीफें नहीं आएंगी, क्या मसायब नहीं आएंगे, क्या गुर्बतें और तंग दस्तियां क्या नहीं आएंगी, दीन इस्लाम पर चलने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां आती हैं, उन कुर्बानियों को झेलना पड़ता है। इस्लाम ऐसे मुफ्त में नहीं मिलता, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां पेश करनी पड़ती हैं, ये मुफ्त में नहीं मिलता, ऐसे हम जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने जिस तरह कुर्बानियां दी हैं वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह हमारे सामने है, कि जो इस तरह सताए गए थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन आए, वो अपने हालात बयान करने लगे, जिस जिस तरीके से कुफार उनको मारते थे, कुफार उनको सताते थे, तकलीफें देते थे, आग के अंगारे जला के जिस पर हम कबाब बनाते हैं, जिस पर हम मुर्ग को रोस्ट करते हैं, आग के अंगारे जलाकर उनकी कमीजें उतरवा कर नंगा जिस्म करके उनको आग के अंगारों पर लिटाया जाता था और उन आग के अंगारों को पानी नहीं बुझाती थी, उनकी चर्बी जो पिघलती थी ना जिस्मों से, चर्बी और रेशा, वो उन अंगारों को बुझाता था। ऐसे भी लोग गुजरे हैं इस इस्लाम और दीन को मानने वाले, हम तो अल्लाह अकबर की आवाज आती है हम तो अपनी दुकान नहीं छोड़ सकते और अल्लाह के हुक्म पर लब्बाई कहते हुए मस्जिद में नहीं आ सकते, हम तो अपनी दुकान नहीं छोड़ सकते, हम तो अपना मैच नहीं छोड़ सकते, हम खेल नहीं छोड़ सकते, हम अपना खेतों खलियान नहीं छोड़ सकते, हम अपने दोस्तों की मजलिस नहीं छोड़ सकते, हम तो ताश खेलना नहीं छोड़ सकते। हालांकि अल्लाह का मुनादी निदा दे रहा है अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ी जात तुम्हें बुला रही है, आ जाओ, एक बहुत बड़ी जात ने तुम्हें आवाज दी है, छोड़ दो अपने मसरूफियात को, अपने कारोबार को, अपनी जॉब, अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत, अपने खेतों खलियान को, अपनी तमाम मसरूफियात को छोड़कर आ जाओ अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, हय्या अल सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आ जाओ फलाह की तरफ। हम डटे रहते हैं, हम बैठे रहते हैं, ये हमारी हद धर्मी की इंतहा है, ये कैसी इस्तकामत है, ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा दीन है, हम अपनी दुकान तक को कुर्बान न कर सके, अपनी मजलस और इस हरी भरी मजलस को हम कुर्बान नहीं कर सकते, इसका नाम दीन नहीं है। हमने धोखा दे रखा है अपने आप को कि हम जन्नत के रास्ते पर चल रहे हैं। देखें कि उनको कैसे सताया जाता था, अल्लाह ने उनकी गवाहियां दी, ऊजू फी सबीली, मेरे रास्ते में तड़पाए गए, ऊजू फी सबीली, मेरे रास्ते में सताए गए, ऊजू फी सबीली, मेरे रास्ते में काट दिए गए, ऊजू फी सबीली, किसी के बाजू कट गए, किसी की टांगे कट गई, किसी की गर्दनें कट गई, किसी की आंखें निकाल दी गई, ऊजू फी सबीली, मेरे रास्ते में वो सताए गए, मेरे रास्ते में मारे गए। लेकिन ये चीज उनको इस्लाम से, तौहीद से, कलमे से, मनज से उनको हटा नहीं सकी थी। ये है सुमस्त कामू, फिर डट जाना ईमान कबूल करने के बाद उस पर कायम होना, ये कामयाबी है, इसमें कामरानी। ऐसे सताए जाते थे। एक दिन अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और रो रहे हैं और अपने हालात बयान कर रहे हैं। खबाब बिन अरत अपने हालात ऐसे बयान करते हैं, उन्होंने कुछ अपने हालात का ऐसे नक्शा खींचा था, तारीख ने लिखा है, उसने अपनी कमर से कमीज को हटाया, उसने अपनी कमर के जख्म दिखाए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने अपनी कमर से बहता हुआ खून दिखाया, उसने अपने जिस्म से निकलती हुई पीप दिखाई, रेशा निकलता हुआ दिखाया, कि अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते, अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए दुआ कर दे, अल्लाह हमें, अल्लाह हमारी मदद फरमा दे, अल्लाह हमारी नुसरत फरमा दे, अल्लाह हमारी इन कुफार से जान छुड़ा दे,
अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दर्द भरी आवाज और गुफ्तगू खबाब बिन अरद की सुन रहे थे, और आपने फिर उसके जवाब में क्या कहा? जब वो बात कह के खामोश हुआ, सहाबा के आंखों में भी आंसू जारी थे। एक अजीब मंजर और एक अजीब कैफियत बनी हुई थी। कोई किसी को अपने कोई दुख याद आ रहे थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर और जामे एक खुतबा उन्हें अरशाद फरमाया। आपने फरमाया, ऐ मेरे असहाब, ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे जानसारो, तुम अभी से घबरा गए हो। बस तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत थी, बस तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी, बस तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत थी, बस तुम्हारे अंदर इतना ही सब्र था, बस तुम इतना ही कायम रह सकते थे। क्या तुम्हारे पास पहले लोगों की कहानियां और पहले लोगों के वाकयात तुमने नहीं सुने? पहले लोगों के किस्से तुमने नहीं सुने? उन्होंने दीन के लिए कितनी कुर्बानियां दी थी, उनको कितना सताया गया था, उनको कितना तड़पाया गया था, वो किस कदर वो मारे गए थे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरस दे रहे हैं। आपने फरमाया, तो मेरे साथियों, तुमसे पहले जो लोग थे उनके साथ तो यहां तक किया गया है, तुम्हें तो फिर भी छोड़ दिया जाता है ना। उनके साथ तो ऐसा किया जाता था, गड़े खोदे जाते थे और उन गड़ों में उनको खड़ा किया जाता था, फिर उनके सर के ऊपर आरा रखा जाता था, उस आरे को चलाया जाता था और उनको जिंदा को उनके जिस्म को आरे आरों के साथ उनके जिस्मों के दो टुकड़े कर दिए जाते थे। ऐ मेरे सहाबा, ये चीज भी उनको उनके दीन से फेरने सकी थी और उनकी साबित कदमी में, उनकी इस्तकामत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं ला सकी थी। इस कदर वो सताए गए थे, इस कदर वो तंग किए गए थे। आप फरमाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी तुमसे पहले तो गुजरे हैं कि उनको खड़ा करके लोहे की कंगियों के साथ उनके गोश्त को उनकी हड्डियों से नोचा जाता था और उनकी हड्डियों को बिल्कुल नंगा कर दिया जाता था, उनकी बोटी बोटी कर दी जाती थी। ऐ मेरे असहाब, ये चीज भी उनको उनके दीन से फेर नहीं सकी थी। ऐसे वो इस्तकामत के पहाड़ बन गए थे। तुम अभी से घबरा गए हो, तुम इतनी मुशक्कतें भी बर्दाश्त नहीं कर सके, तुम इतनी तकलीफें भी बर्दाश्त नहीं कर सके। फौरन कहते हैं, रज़ीना बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लाम दीनम व बि मुहम्मद नबिया। अल्लाह के रसूल, आप दुआ ना करें, हम इसी तरह सब्र करेंगे। हम अपने अल्लाह के रब होने पर राजी हैं, हम इस्लाम के दीन होने पर राजी हैं, हम आपके नबी होने पर राजी हैं, हम इस्तकामत इख्तियार करेंगे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही, फिर अल्लाह ने आसमान से कुरान उतार दिया। आपने फिर उनको बुला लिया, आपने फरमाया, नाज़ल फीकुम कुरान, आओ तुम्हारे बारे में जिब्रील कुरान लेकर आ चुके हैं। नाज़ल फीकुम कुरान, जो तुमने शिकायतें की हैं, जो तुमने मेरे पास आके अपने हालात बयान किए हैं, अपनी मुश्किलात बयान की हैं, अपनी तकलीफें बयान की हैं, तुम्हारी इन सारी तकलीफों को अल्लाह ने सुन लिया है। वह नाज़ल फीकुम कुरान, तुम्हारे बारे में अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया है, जबरील कुरान लेकर आए हैं। वो कुरान में अल्लाह ने क्या नाजिल किया था? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर उन बेबसों को, उन बेचारों को, उन लाचारों को, उन मजलूमों को कैसे मुखातब किया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, तुमने क्या समझ रखा है तुम जन्नत में ऐसे चले जाओगे? क्या जन्नत के महलात और बंगले, आलीशान जन्नत तुम्हें ऐसे मिल जाएगी जिसकी एक एक ईंट सोने की है, जिसके बर्तन सोने के हैं, जिसका लिबास रेशम का है? क्या जन्नत तुम्हें ऐसे मिल जाएगी? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे पास क्या उन लोगों के वाकयात नहीं आए जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं? मस्सतुहुमुल बासाउ वज़र्राउ, उन्हें तकलीफें भी पहुंची थी, उन पर मुसीबतें भी आई थी, वो सताए भी गए थे। वज़र्राउ, उन पर हुरबतें भी आई थी, फकरो फाका भी उन पर आया था, इस कदर सताए गए थे। उम्मत तो उम्मत रह गई, उनके नबी भी पुकार उठे थे, उनका पैगंबर भी पुकार उठा था, मता नसरुल्लाह, अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, अल्लाह तेरी नुसरत ने कब आना है, अल्लाह जो तूने अपनी मदद का वादा दे रखा है, अल्लाह तेरी मदद ने उतरना कब है?
हमारा गोश उतारा जा रहा है, हमारी हड्डियां तोड़ी जा रही हैं। अभी ही तो वक्त है तेरी मदद और तेरी नुसरत के उतरने का। अल्लाह तेरी मदद ने कब आने हैं? अल्लाह ने उनको डांट दिया था, अला खबरदार, इन्ना नसरल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद बड़ी करीब है, सब्र करो, अभी और सब्र करो और हिम्मत करो और डटे रहो, अभी और इस्तकामत इख्तियार करो, अभी और तुमने जो है ना मुसीबतें झेलनी हैं। मदद करीब है, करीब आने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी उनके ईमान को मजबूत किया, उनके ईमान को तकवीयत दी, कहा कुर्बानियां देनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, इस्तकामत कई पहलुओं से होती है, इस्तकामत के कई मराहिल और इस्तकामत के कई शोबे हैं। अकीदा तौहीद में इस्तकामत है कि इंसान कट जाए लेकिन वो शिरक के नज़दीक ना जाए, औलाद नहीं होती सारी जिंदगी बसर कर दे, जन्नत तो मिल जाएगी ना, किसी गैरुल्लाह के दर पर ना जाए, कोई खातून किसी से तावीज लेने के लिए ना जाए, तौहीद पर डट जाए, शफा नहीं मिल रही डट जाए, इधर उधर धक्के ना खाए कि फलां जगह से जाके तवीज ले तो शफा मिल जाती है, अल्लाह पे तवक्कल और भरोसा रख के आप इलाज करवाएं, सही दम करवाएं, तौहीद पर डटे रहें, उसमें किसी किस्म की कोई लग्जश और कमी वाके ना हो। इसी तरीके से जो इबादात हैं उसमें भी आप इस्तकामत इख्तियार करें। आप दरस सुनते हैं, खुतबा सुनते हैं, नमाज की अहमियत सुनते हैं, बड़ा ईमान बढ़ जाता है, अज़म कर लेते हैं मैं अंदा से नमाज नहीं छोड़ूंगा, नमाजें शुरू होगी, हत्ता के इशराक भी शुरू हो जाती, तहज्जुद भी शुरू हो जाती है। हफ्ता गुजरता है, दो हफ्ते गुजरते हैं, महीना गुजरता है, आहिस्ता आहिस्ता सुन्नते और नवाफल चले जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्ज चले जाते हैं, फिर नमाजों से बागी हो जाता है, ये इस्तकामत नहीं है। इस्तकामत दीन के हर मसले में इस्तकामत है। आपने तहज्जुद का आगाज किया है, उस पर आप इस्तकामत इख्तियार करें, उस पर आप डट जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला उनके बारे में कहा था कि अब्दुल्लाह बड़ा अच्छा इंसान है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है, ये कभी कभी तहज्जुद को छोड़ देता है। ऐ अब्दुल्लाह, काश कि तू रोज तहज्जुद पढ़े तो फिर तेरे क्या कहने, क्या मतलब है, तहज्जुद शुरू की है उसमें इस्तकामत हो, चाहे भले दो रखते आप पढ़े, दो रखते पढ़ लें, लेकिन उस पर इस्तकामत होनी चाहिए। इशराक आपने शुरू की है तो आप उस पर इस्तकामत इख्तियार करें, फिर जैसे भी हालात आ जाएं आपका कोई दिन इशराक के बगैर खाली ना जाए। आपने जो अमल शुरू किया उसमें इस्तकामत, कुरान की तलावत शुरू की है उसमें आप इस्तकामत इख्तियार करें, भले एक रुकू पढ़ लें, आधा रुकू पढ़ ले, लेकिन रोज पढ़े, बिला नागा पढ़े, अल्लाह के कुरान को रोज देखा करे, रोज इस पर इस्तकामत इख्तियार करे। आपने जिक्र अस्कार शुरू किए हुए हैं, उन जिक्र अस्कार पर आप हमेशगी करें। तमाम इबादात आप लोगों के साथ खैरखाई करते हैं, आप अच्छे तरीके से लोगों के साथ पेश आते हैं, इस खैरखाई में आप हमेशगी करें, आप इस पर इस्तकामत इख्तियार करें। सिला रहमी करते हैं आप, रिश्तेदारी जोड़ते हैं, इस पर इस्तकामत इख्तियार करें, डट जाएं, आपके रिश्तेदार आपसे रिश्तेदारी तोड़ेंगे, वो आपसे बुरा सलूक करेंगे, लेकिन सिला रहमी इसी का नाम है, आप ताल्लुक जोड़ते चले जाएं, वो तोड़ रहे हैं आप जोड़ते चले जाएं, इस पर इस्तकामत इख्तियार करें। जिंदगी के तमाम मामलात में इस्तकामत है। आप दीन पढ़ने के लिए निकले हैं, दीन पढ़ने में भी मुश्किलात आती हैं, दीन को सीखने में भी मुश्किलात आती हैं, ये आसान चीज़ नहीं है, ये फूलों का सेज नहीं है, इसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं, इसमें आप डट जाएं, इसमें आप इस्तकामत इख्तियार करें। आपको कई तरह की मुश्किलात आएगी, लोगों की बातें भी आपको सुननी पड़ेगी, लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे, ये हमारी ज़कातों पे पलने वाले हैं, ये क्या है, ये घटिया लोग हैं, हम तो डिग्रियां ले रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, आपको बड़ा कुछ सुनना पड़ेगा। आप इस्तकामत इख्तियार करें, आप डट जाएं। आपने घर को छोड़ा है, आपने घर की सहूलियात को छोड़ा है, आपने अहलो अयाल, अपने बहन भाइयों, मोहल्ले दार, दोस्तों, अहबाब को आप कुर्बान करके आए, आप इस पर इस्तकामत इख्तियार करें, बहुत बड़ी कुर्बानी है। ला युस्तताउल इल्मु बिराहतिल जिस्म, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को दीन की तरबियत दी थी, जिन्होंने जो है ना नस्ल दर नस्ल अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखा था, वो क्या कहा करते थे, ला युस्तताउल इल्मु बिराहतिल जिस्म, दीन इस्लाम को सीखने के लिए
आदमी को मुशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और मुशक्कतों और तकलीफों के बाद जाके इंसान जो है वो किसी नतीजे और कामयाबी पर पहुंचता है। हर मैदान में आप इस्तकामत इख्तियार करें। दीन को आपने सीख लिया है, अब आपने दीन का काम करना है, उस पर भी आपको इस्तकामत इख्तियार करनी पड़ेगी। आप लोगों की पेशानियों को अगर देखकर खुतबा देंगे, लोगों के चेहरे को देखकर अगर आप खुतबा देंगे कि अगर मैंने सूद की मुजम्मत पे खुतबा दे दिया तो फिर मस्जिद की इंतज़ामिया नाराज़ हो जाएगी, या मेरे दोस्तों अहबाब मेरे सामने इन नाराज़ हो जाएंगे, तो फिर आपने इस्तकामत को छोड़ दिया है। फिर आपने दीन क्या सीखा है और क्या पढ़ा है और दीन को क्या अपनाया है? आप इस्तकामत ये है कि आप अल्लाह का दीन बयान करें, लोगों की सलवटों को मत देखें, वो क्या कहेंगे, वो क्या बोलेंगे, आपको निकाल दे मस्जिद से, निकल जाना। मस्जिद से ही निकलेंगे ना, हमारे अकाबरीन को तो घरों से निकाल दिया गया था, उनको तो बस्तियां और उनके घर, उनके खेतों खलियान उनको उनसे छीन लिए गए थे। सुहैब रूमी जब चला था ना, उन्होंने उसकी सारी दौलत को छीन लिया था। उन्होंने कहा अगर तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है तो ये सारा सोना हमें देकर जाओ, जो है ना बहुत ज्यादा सोना था, किलों के हिसाब से उसके पास सोना था, कुफारे मक्का को उसने दे दिया था। उसने कहा ले लो, अगर ये देने से मेरा दीन बचता है, अगर ये सोना कुर्बान करने से मेरा दीन बचता है तो ये सौदा मेरे लिए महंगा नहीं है, तुम ले लो। सब कुछ देखकर वो मदीने की तरफ चला था। फिर मदीने पहुंचा था तो फिर अजब मंजर उसने जाके देखा था, उसने अजब कैफियत देखी थी कि मदीने में अभी दाखिल नहीं हुआ था, मदीने के अभी बाहर ही पहुंचा था तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार अंबिया पूरी कायनात का सरदार अपने सहाबा के जुर्मट में, अबू बकर उमर उस्मान अली तला जुबैर सईद साद के जुर्मट में खड़े, सुहैब रूमी का इंतजार कर रहे थे, उसके इस्तकबाल में खड़े थे। आपने आगे बढ़ के सुहैब रूमी का इस्तकबाल किया, उसको सीने से लगाया, फरमाया सुहैब रूमी तूने क्या किया है, क्या कुर्बानी देकर आए हो, तूने कौन सी कुर्बानी दी है? तेरे आने से पहले रात को ही नाजला फीकल कुरान, तेरे बारे में जबरील कुरान लेकर आ चुका है, तूने अमल क्या किया है, तू क्या कुर्बानी देकर आया है? उसने कहा अल्लाह के रसूल अपनी सारी दुनिया कुर्बान कर आया हूं, अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी कुर्बान कर आया हूं, सारे बागात बेच के, सारी जमीनें बेच के मैं सारा सोना लेके आ रहा था, लेकिन सारा कुफार ने छीन लिया है, मैंने सारा दे दिया है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए सुहैब, ये जो है ना सौदा जो है मामूली नहीं है, ये बड़ा आला है। आपने क्या फरमाया, नाजल अफीकल कुरान, तेरे बारे में कुरान नाजल हुआ है, वमिनन्नासी मन यशरी नफ्सहू इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, अल्लाह के कोई ऐसे बंदे भी हैं, अल्लाह की ज़मीन पर बसने वाले कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जो यशरी नफ्सहू, जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, यशरी नफ्सहू अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह के बंदो, हम दुकान नहीं छोड़ सकते, हम मजलिस नहीं छोड़ सकते, हम खेल नहीं छोड़ सकते, हम अपने दोस्तों अहबाब के साथ बैठे हुए हैं अल्लाह के आवाज़े पर लब्बैक नहीं कह सकते, इससे बड़ी बदबख्ती और क्या हो सकती। तो इसलिए हर मैदान में आपने इस्तकामत इख्तियार करनी है, दीन बतलाना है तो आपने इस्तकामत इख्तियार करनी है, आपने लोगों को देख के फतवा नहीं देना। हमारे असलाफ, हमारे अकाबरीन ने इस्तकामत की बड़ी बड़ी मिसालें कायम कर दी थी, बड़े बड़े हुक्मरानों ने, बड़े बड़े सरकशों ने और बड़े बड़े जालिमों ने, बड़े बड़े जाबरों ने उनको झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन जो आपके अकाबरीन थे, जो आपका सरमाया थे, जिनके नक्शे कदम पर आप चलने वाले हैं और जिनकी वो लिखी हुई किताबें आज आप काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद करते हैं, उन्होंने इस्तकामत की मिसालें कायम कर दी थी। एक एक फतवे पर उनको खरीदने की कोशिश की गई कि फतवा दे दो तुम्हें जो चाहो दे दिया जाएगा, लेकिन वो झुके नहीं थे। इमाम मालिक अलैहि रहमा को से एक फतवा तलब किया गया, बादशाह अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश और अपनी तमन्ना के मुताबिक उससे फतवा लेना चाहता था। फतवा वो क्या लेना चाहता था, वो किसी खातून से शादी करना चाहता था और उस खातून की किसी आदमी से शादी थी, वो किसी के निकाह में थी। अब इसने उससे शादी करने के लिए
उस आदमी को मजबूर किया और तलवार के जोर पर गन पॉइंट पर उससे तलवार जो तलाक दिलवा दी कि तू इसको तलाक दे, उसने तलाक दे दी डरते हुए। और उलमा ने यह आवाज उठाई कि यह तलाक नहीं, यह तलाक नहीं हुई, क्योंकि मजबूर करके तलवार के जोर पर गन पॉइंट पर जो तलाक दिलवाई जाती है वो तलाक नहीं होती। लेकिन हाकम वक्त ने अपनी इस मंशा को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, उसने जो उलमा को जो है ना सजाएं देना शुरू कर दी, जेलों में डालना शुरू कर दिया और उन पर मुशक्कतें, और जो फिसलने वाले थे वो फिसलते चले गए, जो कमजोर ईमान वाले थे जो दुनियादारी के लिए पढ़ते थे ना, अभी इसलिए पढ़ रहे थे भी चलो 4% कमा लेंगे, कोई रोजगार अच्छा मिल जाएगा, वो अल्लाह के दीन को अल्लाह को राजी करना तो उनका मकसद नहीं था, वो सब फिसल गए। लेकिन इमाम मालिक अलैहि रहमा इस्तकामत का पहाड़ बन गए थे। लोगों ने कहा जो आलम मदीना है, जो रोजा तुम में रियाजिल जन्ना में बैठ के अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दरस देता है ना, इमाम मालिक इब्ने अनस, वो उसका जब तक फतवा नहीं होगा उस वक्त तक हम इस फतवे को नहीं मानेंगे, वरना हम एहतजाज करते रहेंगे। और हाकम वक्त ने इमाम मालिक को बुलाया, कहा ये फतवा दे दो। उन्होंने कहा मैं ये फतवा नहीं दे सकता, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मजबूर करके तलाक दिलवाई जाए तो वो तलाक नहीं होती। उसने सजाएं दी, जेल में डाल दिया, दुर्रे मारे गए, हत्ता के मुंह को काला किया गया और कहा गया इसको गधे पर बिठाओ और मदीने की गलियों और चौकों और चौराहों पर घुमाओ, इसको एक एक गली में लेकर जाओ, इसको एक एक चौक और चुराहे में लेकर जाओ, साथ साथ इसको दुर्रे मारो, इसको डंडे मारते चले जाओ, इसकी कमर पर दुर्रे बरसाते चले जाओ, हर चौक में खड़ा करके गधे को खड़ा करना, इसको कहना अपना तारुफ करा ताकि लोगों को पता चले ये मालिक इब्ने अनस है जिसने इमाम हाकम वक्त की मंशा के मुताबिक फतवा नहीं दिया, आज उसको ये हालात और ये दिन देखने पड़ रहे हैं, इसको बोलने पे मजबूर करना ताकि ये कहे कि मैं इमाम मालिक हूं। उनको गधे पे बिठाया गया, उसका मुंह काला किया गया, उसकी कमर पर दुर्रे मारे गए, चौकों चौराहों में उसको खड़ा किया जाता था, मदीने की गलियों में घुमाया जाता था, जिस चौक में खड़े होते थे वो क्या कहते थे, वो ऐलान करते थे, आवाज बुलंद करते थे, ए लोगो अय्युहन्नास अय्युहन्नास, ए लोगो मन आराफानी फकत आराफानी, जो मुझे जानता है, जिसने मुझे देखा हुआ है वो मुझे जानता ही है, वह मल्लम यारिफनी, जो मुझे नहीं जानता, जिसको मेरे तारुफ का पता नहीं है, फल यारिफ, वो आज जान ले अना मालिक इब्नु अनस, मैं मालिक इब्नु अनस हूँ, मैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एक खादिम हूँ, अना मालिक इब्नु अनस, मैं मालिक इब्नु अनस हूँ, मैं अकूलू, मुझे आज सताया जा रहा है, मुझे आज मारा जा रहा है एक फतवे की वजह से, अना अकूलू, मैं कहता हूँ तलाकुल मुकराही लैसा बिशैइन, मजबूर करके तलाक दिलवाई जाए उस तलाक की कोई वैल्यू नहीं है, उस तलाक की कोई हैसियत नहीं है, मैं ये फतवा देता हूँ, इसलिए मुझे आज मारा जा रहा है, इसलिए आज मुझे सताया जा रहा है। किसी ने भागे हुए जाके बादशाह को बताया कि वो तो अपना मसलक बयान कर रहा है, तुम तो उसको जलील कर रहे हो, लेकिन वो तो चौको चौराहों में खड़ा अपना मनज बयान कर रहा है कि मैं ये कहता हूं कि तलाक मुकरा नहीं होती, का उतारो उसको, वापस लाओ उसको। इस तरह उनको सताया गया था, लेकिन उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की थी, वो डट गए थे। ये मतलब है इन लजीना कालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुम इस्तकामू, फिर उन्होंने उस पर इस्तकामत इख्तियार की। अहमद इब्ने हम्बल को देख लो, तीन बादशाहों ने उसको मारा था, तीन बादशाहों ने उसको सजाएं दी थी, वो भी एक फतवा लेना चाहते थे, वो कहते थे अहमद इब्ने हम्बल कहो कि इन्नल कुरान मखलूक, कि कुरान मखलूक है, वो कहते थे नहीं कुरान मखलूक नहीं है, कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है, ये मखलूक नहीं है। हाकम वक्त ने, तीन बादशाहों ने उनको मारा था, तीन बादशाहों ने, और कैसे मारा जाता था, कई जल्लाद उसके ऊपर खड़े किए जाते थे, एक जल्लाद जब दुर्रे मार मार के थक जाता था दूसरा शुरू हो जाता था, वो थक जाता था तीसरा शुरू हो जाता था, ताकि इनकिता ना आए, ताकि तसलसल कायम रहे,
इतने भारी जो है ना दुर्रे बरसाए जाते थे। इमाम बुखारी अलैहि रहमत तड़प गए थे अल्लाह की कसम जब वो बगदाद की जेल में गए थे, सिर्फ देखने के लिए, सर्वे करने के लिए गए थे। उन्होंने बगदाद की जेल में उस दुर्रे को लटका हुआ देखा था, जिस दुर्रे के साथ अहमद इब्ने हम्बल को मारा जाता था। इमाम बुखारी की चीखें निकल गई थी, हाय इस दुर्रे के साथ मेरे इमाम को मारा जाता था, मेरा इमाम पर भी इस्तकामत का पहाड़ बन गया था। इतना भारी भरकम और इतना बड़ा मजबूत दुर्रा है, अगर भारी भरकम हाथी पर मार दिया जाए तो वो भी बैठ जाए उस दुर्रे को सुनकर, लेकिन अहमद इब्ने हम्बल तेरी इस्तकामत पर कुर्बान जाए। तू इस्तकामत का पहाड़ बन गया था, तू उम्मत को बता गया था कि आमद तक आने वाली दुनिया अहमद इब्ने हम्बल की इस्तकामत को सलाम पेश करती रहेगी। और उलमाए सू जो बिक गए थे दुनिया की दौलतों पर और दुनिया के माल पर बिक के गलत फतवे दे जाते थे, उनके नामो निशान मिट गए थे। आज अहमद इब्ने हम्बल को याद किया जाता है जो इस्तकामत का पहाड़ बन गए थे। मेरे भाइयों, ये इस्तकामत है। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है, सुमस्तकामू, फिर वो उस पर डट गए, उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की। अल्लाह फरमाते हैं हम उनकी नुसरत के लिए फरिश्तों को नाजिल करते हैं, फरिश्ते उनकी हिम्मत और उनको हौसला देते हैं। जिस वक्त उनकी रूहें निकलेगी तब भी फरिश्ते उतरेंगे, उस वक्त वो उनको सलाम पेश करेंगे अल्लाह की तरफ से। मेरे भाइयों, हम भी इस्तकामत इख्तियार करें, नमाज पर इस्तकामत इख्तियार करें, रोज़े रखने में इस्तकामत इख्तियार करें, ज़कात उशर निकालने में आप इस्तकामत इख्तियार करें। दरअसल सुनते हैं, एक खेती की ज़कात दे देते हम, गंदम आई उशर निकाल दिया, मकई आई उशर खा गए, ये क्या इस्तकामत हुई, ये क्या दीन हुआ, ये क्या इस्लाम हुआ। इस्तकामत इख्तियार करें, मरते दम तक अल्लाह के दीन पर कायम हो जाए और पूरे के पूरे कायम हो जाए। उदघुलू फिसल में काफा, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाए। कुर्बान कर दें मजलसों को, खेलों को कुर्बान करके आ जाया करें। कितनी बदबख्ती का आलम है, अल्लाह की कसम रोना आता है। ये मुसलमानों के बच्चे हैं, उनके बाप मुसलमान, उनकी माएँ मुसलमान, उनके भाई मुसलमान, उनका बाप दादा मुसलमान, इधर अजान और जमात खड़ी होती है और मुसलमानों के बच्चे जिन्हें गुड़ती दी गई है, कानों में अजान दी गई है, मस्जिद के हमसाए एक दीवार के पास खड़े हुए खेल रहे होते हैं, जो है ना गेमें खेल रहे होते हैं। ये हालत बन गई है, कोई टस से मस नहीं है। मेरे भाइयों, आज अपना मुहासबा करने, आज वक्त है बदलने का, आज अपने आप को तब्दील करने का वक्त है। दीन पर खड़े हो जाए, दीन पर कायम हो जाए, किसी की कोई परवाह ना करे और ना किसी की दौलत की परवाह करे, ना किसी किस्म की कोई लालच और खौफ की परवाह करे, दीन पर कायम हो जाए। अगर आज दीन पर कायम हो जाएंगे, ये दुनिया तो कट जाएगी, ये दुनिया तो मुक जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसकी क्या हैसियत, इसने खत्म होना है। आप दीन पर कायम हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आखिरत तो नहीं ना जाएगी। आखिरी बात मैं अर्ज करता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन जादूगरों को लेकर आया था और उन जादूगरों को कहा था आज मूसा को तुम शिकस्त दे दो, बड़े इनामात मैं तुम्हें दूंगा, हत्ता कि मैं तुम्हें अपना वजीर मुतय्यन कर लूंगा। वो उन्होंने बड़े धड़ल्ले के साथ, वो जादूगर आए थे मूसा अलैहिस्सलाम से उनका मुकाबला हुआ, जादूगर शिकस्त खा गए। जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से मौजज़ा देखा, उन्होंने कहा ये जादू नहीं है। उसी वक्त ही फौल की ये सहरा तू साजदीन सजदे में गिर गए थे, पुकार उठे थे आमन्ना, हम ईमान लाए हैं बि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों के रब पर, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए हैं। देखो सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं, वो ईमान ले आए। फिरौन ने क्या कहा, इनको पकड़ो, इनको जकड़ो, इनको जंजीरें पहनाओ, उनको जकड़ा गया और उनको सूलियों पे लटकाया गया, उनके हाथ और बाजू कहा इनको काट दो। पहले उन्हें डराया कि तुम्हारे हाथ बाजू काट दिए जाएंगे अगर तुम इस्लाम और ईमान पर कायम होगे। उन्होंने क्या जवाब दिया था, उन्होंने कहा था ला ज़ईर ला ज़ईर, फिरौन हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, इकजी मान तकाज, जो तू करना चाहता है कर ले, सिर्फ तू हमारी दुनिया ही खत्म कर सकेगा ना, और तू कुछ नहीं करेगा, मार देगा दुनिया चली जाएगी, हमारा रब तो हम पे राजी हो जाएगा ना। चंद लम्हे पहले वो मुसलमान हुए थे, चंद लम्हे पहले, हम जद्दी पुश्ती मुसलमान हैं, चंद लम्हे पहले मुसलमान हुए थे, लेकिन उनका ईमान कितना मजबूत हो गया था, कितना ईमान के पहाड़ बन गए थे चंद लम्हों में।
कि कट गए थे, उनके बाजू काट दिए गए थे, उनकी टांगें काट दी गई थी, उनको लटका दिया गया था। अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते कुर्बान जाए, जब वो आए थे उस मैदान में तो जादू बदतरीन काफिर थे, लेकिन उसी चंद लम्हों के अंदर अंदर ही वो जन्नत के आला महलात के मालिक बन गए थे। इस्तकामत की वजह थी। मेरे भाइयों, अल्लाह हमें भी इस्तकामत इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रखे दीन पर जिंदा रखे। कौल कौली हाजा अस्तगफिरुल्लाह।